आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चलित गोलीबारी में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि मारे गए आतंकवादी की पहचान अभी तक स्थापित नहीं की जा सकी है। आधिकारिक ने आगे कहा कि गोलीबारी के बदले एक नागरिक भी घायल हुआ है, उसे तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल में स्थानांतरित किया गया और कहा गया कि वह स्थिर है। कश्मीर संभाग में साल अब तक 200 आतंकवादी मारे गए हैं। इससे पहले पुलिस सेना की 55 आरआर और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने टिकेन में घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, छिपते हुए आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए बलों पर गोलीबारी की। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता सुहेब रंगरेज की रिपोर्ट।